वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। जैसा कि दोस्तों केवीएस के एग्जाम को देखते हुए मैं आपके एग्जाम से पहले 665 क्वेश्चंस की पार्ट बाय पार्ट जल्द से जल्द ये सीरीज पूरा करना चाहती हूं, तो समय नष्ट न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बना लीजिए। जैसा कि सभी प्रकार के फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यूज का पूरे डिटेल में मेरे चैनल पे मौजूद है, इसे आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक विज्ञान का शिक्षक प्रयोग कराता है लेकिन बच्चों को अच्छी तरह यह समझ नहीं आती है, तब विज्ञान शिक्षक को चाहिए, तब क्या चाहिए? विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को घर पर पाठ पढ़ने के लिए कहे और प्रयोग को दोबारा करने को कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रश्न पूछने में अच्छी तरह का है? ऑप्शन है, शिक्षकों को प्रश्नों को दोबारा बोलना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी प्रश्न को सुन सके। बी है, प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी को सोचने का मौका देना चाहिए, यह भी सही है। सी है, पुनः संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी प्रक्रिया होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शा बताने से पहले शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो दोस्तों नक्शा बताने से पहले शिक्षक को दिशा निर्देश के बारे में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्यों प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए? क्यों? क्योंकि विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न होना चाहिए, तो प्रश्न कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन है, मुख्य बिंदु पर आधारित होना चाहिए, एकदम सही। बी है, सभी बच्चों को संबोधित करते हुए पूछा जाना चाहिए, ओनली एक बच्चे की तरफ देख के नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा लगे कि हम सभी बच्चों से पूछ रहे हैं। एंड श्यामपट पर लिखा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक भ्रमण के समय संदर्भ में आपकी अपेक्षा बच्चों के प्रति होनी चाहिए। जब हम दोस्तों स्कूल में शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो जो आपकी यानी शिक्षकों की जो अपेक्षा होती है बच्चों के प्रति, वो क्या होनी चाहिए? तो बच्चे के प्रति अपेक्षा क्या होनी चाहिए दोस्तों? बच्चों के प्रति अपेक्षा होनी चाहिए कि बच्चों को प्रत्येक चीज को सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए एवं उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे में काम करने के लिए कहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, उसे अभ्यास करना चाहिए कि करके सीखने का। बी है, उसे करके सीखने का मौका देना चाहिए, ये भी सही है। सी है, समूह में काम करने की आदत का विकास करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे सभी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बच्चों को शिक्षक की बात का ध्यान देना चाहिए? अंतर्मुखी बच्चे को, कि मंद बुद्धि,
मंद गति से सीखने वाले बच्चे को कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। आपने पढ़ाया सैंपट पे और पाठ समाप्त हो गया, आपका पीरियड भी समाप्त हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे शिक्षक को सैंपट साफ कर देना चाहिए, यहाँ पे विद्यार्थी को सैंपट पर साफ कर देना चाहिए, सही नहीं होगा, शिक्षक को सैंपट साफ कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो हमारे संविधान में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों हमारे संविधान में सभी विद्यार्थी जिसकी उम्र 14 वर्ष तक की है उसको मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पीरियड उपयुक्त है। तो दोस्तों दूसरा पीरियड जो है वो गणित पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में आप अटेंडेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य कर देनी चाहिए। क्यों? प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य कर देनी चाहिए, ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन है बच्चों की साक्षरता दर में वृद्धि होगी, ये भी बात सही है। देश की साक्षरता दर बढ़ जाएगी, तो जब बच्चों की साक्षरता बढ़ेगी तो देश की भी साक्षरता बढ़ेगी, ये भी सही है। सी है ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता की दर बढ़ जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र के अक्सर गरीब लोग होते हैं, उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगा तो वो भी साक्षर हो जाएंगे। यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? कथन है कि छोटा बच्चा मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है एवं असहाय होता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, आप उसको एकदम कस्टडी में रखेंगे तो उसका भविष्य और बर्बाद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि नहीं, अगर स्वतंत्रता न दी जाए तो उसका भविष्य और खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक मंजिला होना चाहिए, खेल के लिए खुला स्थान होना चाहिए, एकदम सघन स्थान से दूर यानी कि जनसंख्या से यानी भीड़ भाड़ से दूर होना चाहिए। यहां भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट बुक पढ़कर कि सहायक किताब पढ़कर कि समाचार पत्र पढ़कर कि वाद विवाद द्वारा। तो सबसे अच्छा विधि इसमें है टेक्स्ट बुक पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप विषय वस्तु पूर्ण नहीं कर पाते हैं तब क्या करना चाहिए आपको? बच्चों को बचे हुए पाठ अपने से पूर्ण करने के लिए कहना चाहिए कि कुछ पाठ बच्चों के अनुनय विनय के आधार पर पढ़ाना चाहिए कि अतिरिक्त कक्षा लेकर पाठ को पूर्ण कर देना चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? इसको अतिरिक्त कक्षा लेकर पाठ वस्तु को पूर्ण कर देना चाहिए, ठीक है, यदि पूरा नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह का सामूहिक संगोष्ठी एवं प्रार्थना विद्यालय के लिए अनिवार्य है, क्योंकि क्यों सुबह का प्रार्थना और संगोष्ठी अनिवार्य है? इसलिए क्योंकि जो प्रधानाचार्य और शिक्षक होते हैं उनके द्वारा मुख्य निर्देश प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल किस प्रकार का विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में जाना जाता है? तो गुरुकुल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने स्त्री शिक्षा के सुधार की बात कही है? तो स्त्री शिक्षा के सुधार की बात कही है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अवस्था में सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है? उच्च शिक्षा में कि प्राथमिक शिक्षा में कि माध्यमिक शिक्षा में कि उपयुक्त सभी में? तो दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा समस्या
उत्पन्न होती है, जैसे कि आपको पढ़ाने का भी मन नहीं करेगा, छोटे बच्चों को जितना भी समझाएंगे वो समझ नहीं पाते हैं, सबसे ज्यादा समझने में दिक्कत होता है प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को। नेक्स्ट है, वही शिक्षक समाज में आदर के पात्र होते हैं जो, जिसमें क्या गुण होना चाहिए, जो अपने कार्य के प्रति सही ढंग, अपना कार्य सही ढंग से करते हैं, आदर्श जीवन का अनुसरण करते हैं, पढ़ाने में सक्षम होते हैं, ये सभी गुण जिसमें होगा वही एक शिक्षक समाज में आदर के पात्र हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यह शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शिक्षक विधि बनाता है, जो शिक्षक विधि है वो क्या बनाता है? ऑप्शन है, शिक्षा को रुचिपूर्ण, एकदम सही है, विद्यार्थी विषय वस्तु को सही ढंग से समझ पाता है शिक्षा विधि से, विद्यार्थी को दूसरा पूर्ण लाभ मिलता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षक विधि से ये सभी प्रक्रिया हमको सीखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी बहुत तीव्र बुद्धि वाला है तो आप उसके साथ कैसा अनुभव करते हैं? तो यदि कोई विद्यार्थी अधिक तीव्र बुद्धि वाला है तो उसके साथ हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि उसे अधिक गृहकार नहीं देते हैं, कि अधिक सफलता के उत्प्रेरित करते हैं, कि उसे अभिभावक को सूचित करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक सफलता के लिए उसको हम उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? अधिक सफलता के लिए उसको हम उत्प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।